खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर सरकार के ऑपरेशन क्लीन के तहत गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बदमाशों के पास कहां से असलहा की सप्लाई हुई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गौ तस्करों के पास से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि इन असलहों के बारे में पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है, जबकि इन्हीं असलहों के बल पर बदमाश खाकी को खूनी बना देते हैं। फिलहाल तीनों घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि महाराजगंज पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी संदिग्ध स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस ने स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। स्कॉर्पियो लेकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो स्कॉर्पियो सवार तीनों बदमाश गाड़ी छोड़कर पैदल जंगलों में भाग गए। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इमरान 25 वर्षीय, कासिम 26 वर्षीय, लवकुश 12 वर्षीय जनपद रायबरेली के पैरों में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल और एक लोडर गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने बदमाशों से बरामद गाड़ी को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये महाराजगंज CSC से रेफर होके 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश, और जो 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस द्वारा लेके आए गए, जो घायल अवस्था में हैं, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।